हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवली केक। तो आज का ऑर्डर है मिनी केक का। यहाँ पर एक बर्थडे केक बनाना है ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में। बस छोटा सा एक ट्विस्ट है कि हम यहाँ पर चेरी क्रश का यूज़ नहीं करेंगे या चेरी का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम स्ट्रॉबेरी का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और टिन में बेक होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा बैटर लिया था क्योंकि इसमें से मैंने 2 मिनी कपकेक्स ही बनाए थे। तो अब देखिए, हमारा जो केक है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे इस टिन में से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा केक निकल के आ गया है और ये बहुत ही फ्लफी बना है, बहुत ही सुपर मॉइस्ट और सॉफ्ट है। अब हम इसकी 2 लेयर ही कट कर रहे हैं। आप चाहें तो 3 लेयर कट कर लीजिएगा, फिर आपका वेट बट ज़्यादा हो जाएगा केक का। तो मुझे यहाँ पर 2 लेयर ही कट करनी थी। हमने लेयर्स को कट कर लिया है और अब देखिए जो मिनी केक है हमें एक बोर्ड पर बनाना है। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर इस केक को रख दिया है और वहाँ पर मैंने सोकिंग के लिए स्ट्रॉबेरी क्रश और वाटर का यूज़ किया है और क्रीम के साथ मिक्स करके इसे लगा दिया है। देखिए हमारा ये लेयर तैयार है। अब हम नेक्स्ट इसमें हम वाइट चॉकलेट को क्रश करके अच्छे से इस लेयर में डालेंगे। आप चाहें तो चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर दूसरी लेयर भी रख दी है और साइड में क्रीम लगा के क्रम कोटिंग कर दी है। अब हम अपर लेयर को भी अच्छे से सोक करेंगे, थोड़ा सा वाइट चॉकलेट डालेंगे और फिर क्रीम से अच्छे से क्रम कोटिंग कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और अब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी फाइनल लेयरिंग कर दी है। इसे बहुत ही स्मूथ करना है और इसके बाद स्पून की हेल्प से यहाँ पर ये डिज़ाइन बना दिया है मैंने। और इस पर अब हम लिखेंगे हैप्पी बर्थडे और फिर छोटे छोटे से हार्ट्स बनाकर इसे डेकोरेट कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल केक बना है। मुझे तो ये केक बहुत अच्छा लगा। आपको ये केक कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।